बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, ऑपरेटर्स इन सी, जिसमें हम खास तौर से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड, व्हाट इज एन ऑपरेटर? द ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस टू ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। जैसे 3+4, ये एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर प्लस एक ऑपरेटर है और 3 और 4 हैं ऑपरेंड्स। यानी ऑपरेटर क्या करते हैं, ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इन्हें चाहिए होता है डेटा, और उसी डेटा को हम कहेंगे ऑपरेंड्स। यानी हर एक ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए कुछ ऑपरेंड्स चाहिए ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं ऑपरेंड्स पर ऑपरेटर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और ऑपरेटर के बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है एक्सप्रेशन। दोस्तों, एन एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर दैट कैन बी इवैल्यूएट टू अ सिंगल वैल्यू। यानी एक्सप्रेशन क्या होती है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा ऑपरेटर और ऑपरेंड्स यूज हो रहे होते हैं, और जब आप उस स्टेटमेंट को कंप्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको एक सिंगल वैल्यू रिजल्ट के तौर पर मिलेगी। तो इस तरह की स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसे 2+5 एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें एक ऑपरेंड, इसमें एक ऑपरेटर और 2 ऑपरेंड्स मौजूद हैं, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर हमें एक सिंगल वैल्यू रिजल्ट के तौर पर मिल रही है, तो इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे एक्सप्रेशन। इसी तरीके से आप ये दूसरी एक्सप्रेशन देखिए, इसके अंदर भी जब हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट के तौर पर एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, इसीलिए इस स्टेटमेंट को भी हम एक्सप्रेशन कहेंगे। और डियर फ्रेंड्स, जो भी एक्सप्रेशन आप लिख रहे होते हैं उसमें यूज होने वाले ऑपरेंड्स, वो कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, और कोई खुद से एक्सप्रेशन भी हो सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, जिस तरह ऑपरेंड्स की टाइप अभी हमने देखी कि ऑपरेंड्स जो हैं वो कोई कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकती है, बिल्कुल ऐसे ही सी लैंग्वेज एक बहुत वास्ट, एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है जिसमें 45 डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है, और इन ऑपरेटर्स को सी लैंग्वेज के डेवलपर्स ने अपनी आसानी के लिए कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, जिनमें पहला ग्रुप है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, देन रिलेशनल ऑपरेटर, और आखिर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आइए इनको 1 by 1 डिटेल में देखें। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दोस्तों इसकी डेफिनेशन देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। जिस तरह मैथ्स में जो बेसिक ऑपरेटर यूज किए जाते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बिल्कुल ऐसे ही सी लैंग्वेज में भी इन तमाम ऑपरेटर्स को अरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में डाला गया है। और यहाँ इन 4 ऑपरेटर्स के अलावा एक और ऑपरेटर को भी अरिथमेटिक ऑपरेटर कंसीडर किया जाता है, और वो है मॉड्यूलस ऑपरेटर। और ऐसी स्टेटमेंट्स जिनमें इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में से कोई भी ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया होगा, तो इस तरह की स्टेटमेंट को अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस या फिर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस का नाम दिया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इन तमाम ऑपरेटर्स को आप किस तरह से अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, और इनको प्रोग्राम में यूज करने के बाद ये क्या रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए इसकी डिटेल। दोस्तों, यहाँ आपको स्क्रीन पर एक प्रोग्राम नजर आ रहा है जिसमें तमाम अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किए गए हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस। और दोस्तों, यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया कि कोई भी ऑपरेटर परफॉर्म होता है किसी ना किसी ऑपरेंड पर, तो दोस्तों यहाँ पर वो ऑपरेंड हमने बताया कि वो कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है। तो यहाँ जो ऑपरेंड हमने यूज किए हैं वो वेरिएबल को यूज किया है। यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के, जो कि हमारे प्रोग्राम में एज एन ऑपरेंड काम कर रहे हैं। अब दोस्तों याद रखिए, जब कभी भी आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर परफॉर्म करवाने जा रहे हो, तो आपको वो मैथमेटिकल ऑपरेटर बीच में रखना होगा, और उसके दोनों साइड पर आपको ऑपरेंड्स रखने होंगे जिनके दरमियान आपको वो ऑपरेटर परफॉर्म करवाना है। मान लीजिए आपको 2 नंबर के दरमियान प्लस करवाना है, तो आपको पहले पहला नंबर लिखना होगा, उसके बाद बीच में प्लस लिखना होगा, उसके बाद दूसरा नंबर लिखना होगा। इसी तरीके से अगर वो ऑपरेंड
यानी पहले आपको ऑपरेंड 1 लिखना होगा, उसके बाद आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाना होगा और उसके बाद ऑपरेंड 2 लिखना होगा। अब यहाँ पर क्योंकि ऑपरेंड हमारा वेरिएबल है तो हमने ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 की जगह ए और बी लिखा है। इसी तरीके से जब कभी भी आपको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो तो उसके दोनों साइड पर आपको उन ऑपरेंड्स के नेम लिखने हैं जिन पर आपको वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले प्लस को प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए में वैल्यू है 11 और बी में वैल्यू है 2। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 13। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए जब हम 11 को माइनस करेंगे 2 से तो रिजल्ट आएगा 9। इसी तरीके से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 22। और याद रखिए ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये जो रिजल्ट है ये यहाँ से इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के पास चला जाएगा और आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों जब 11 डिवाइड होगा 2 से तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 5.5। क्या ऐसा ही है? हम इसको एक दफा प्रूव करके भी देखते हैं। तो हम यहाँ पर इसको कंपाइल और रन करते हैं। तो कंपाइल और रन करने पर देखें तो जो हमने रिजल्ट निकाला था यानी a प्लस बी 13 ही आया है, इसी तरीके से a माइनस बी 9 आया है और a मल्टीप्लाई बाय बी 22 आया है। लेकिन a डिवाइड बाय बी जो है वो 5.5 आना चाहिए था और अगर आप यहाँ पर इसका आउटपुट देखें तो ये आया है जस्ट 5। तो डिफरेंस ये यहाँ पर 5 क्यों आया है? वो इस वजह से आया है क्योंकि याद रखिए जब कभी भी दो ऑपरेंड्स हैं और उनकी डेटा टाइप सेम है और उनके दरमियान आप कोई ऑपरेटर परफॉर्म करवा रहे हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी उसी डेटा टाइप में आएगा जिनकी जो डेटा टाइप उन ऑपरेंड्स की होंगी। क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास दो इंटीजर टाइप ऑपरेंड्स थे तो जब हमने इन दोनों के दरमियान डिविजन परफॉर्म करवाई तो इसका रिजल्ट आया 5.5। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपके ऑपरेंड जिस टाइप के होंगे रिजल्ट भी उसी टाइप में आएगा, तो यहाँ पर अगर हम 11 को डिवाइड करें, यहाँ अगर हम 11 को डिवाइड करें 2 से तो रिजल्ट आएगा 5.5। लेकिन दोस्तों मैंने बताया कि ये भी इंटीजर डेटा टाइप है, ये भी इंटीजर डेटा टाइप है, तो रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पर ये जो इंटीजर की वजह से ये इसका नॉन इंटीजर पार्ट यानी डेसिमल पार्ट ट्रंकेट कर देगा, हटा देगा और सिर्फ 5 को ही स्टोर करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको रिजल्ट के तौर पर मिल रहा है जस्ट 5। इसलिए याद रखिए जब कभी भी आप खास तौर से डिवीजन परफॉर्म करवा रहे हो तो आप जो है अपनी डेटा टाइप पर, अपने ऑपरेंड्स की डेटा टाइप पर एक दफा नजर सानी जरूर करेंगे। अब दोस्तों अगर हम इसको कर देते हैं, एक डेटा टाइप कर देते हैं फ्लोट और दूसरे की कर देते हैं इंटीजर, तो आपको 5.5 रिजल्ट ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स अगर आप दो ऑपरेंड्स के दरमियान कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं और उनमें दोनों ऑपरेंड्स की डेटा टाइप अलग अलग है, जैसे यहाँ पर एक की डेटा टाइप फ्लोट है और दूसरे की इंटीजर, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली जिस ऑपरेंड की डेटा टाइप छोटी है, यानी यहाँ पर देखें तो जो 2 है इसकी डेटा टाइप इंटीजर है जो कि छोटी है फ्लोट से, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इस इंटीजर को कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में और फिर इनके दरमियान एवेल्युएशन करवाएगा, इनके दरमियान डिविजन परफॉर्म करवाएगा, तो जो रिजल्ट है वो भी ऑटोमेटिकली फ्लोट में ही आएगा क्योंकि अब इन दोनों की डेटा टाइप सेम हो गई है। तो अगर मैंने बताया कि जब दो ऑपरेंड्स की डेटा टाइप सेम है तो रिजल्ट भी उसी डेटा टाइप में आएगा जो कि ऑपरेंड्स की होंगी। यहाँ पर दोनों ऑपरेंड्स की डेटा टाइप फ्लोट हो गई है तो रिजल्ट आपको 5.5 मिलेगा, विच इज अ राइट आंसर। तो इसीलिए अगर दोस्तों यहाँ पर डबल होता और यहाँ पर फ्लोट होता तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर फ्लोट को कन्वर्ट करता है डबल में। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 4 होता और यहाँ पर इंट होता तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली 4 को कन्वर्ट करता है इंट में। यानी हमेशा कंपाइलर छोटी डेटा टाइप को ही बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है और फिर रिजल्ट भी हमेशा बड़ी डेटा टाइप में ही आता है। इसलिए याद रखिए जब कभी भी आप डिविजन परफॉर्म करवा रहे हो तो हमेशा एक ऑपरेंड की डेटा टाइप बड़ी रखें और दूसरे ऑपरेंड की डेटा टाइप छोटी रखें। यानी अगर आपका डिविजन में आमतौर पर रिजल्ट फ्लोट में ही आता है तो आप कोशिश करें कि किसी एक ऑपरेंड की डेटा टाइप जरूर फ्लोट में रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको ऑपरेटर नजर आ रहा है विच इज अ मॉड्यूलस ऑपरेटर। दोस्तों ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है? दोस्तों जब कभी भी आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं और उनको डिवाइड करने के बाद यहाँ जो चीज बचती है जिसको आप मैथ्स में कहते थे रिमाइंडर, इसी रिमाइंडर को सी लैंग्वेज के अंदर मॉड्यूलस कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने दो नंबर्स को डिवाइड किया है 7 और 15 को, तो 7 टू जा 14
14 और फिर 15 में से हमने माइनस किया 14 तो हमारे पास आया 1। तो ये 1 जो है ये कहलाएगा रिमाइंडर, और सी लैंग्वेज में इसको हम कहेंगे मॉड्यूलस, यानी सी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1। जब आप इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1। इसी तरीके से दोस्तों, अगर दो नंबर्स हैं जिनके दरमियान हम डिवीजन करवा रहे हैं और जो बड़ा नंबर है वो पूरा का पूरा छोटे नंबर से जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, यहाँ पर जीरो आएगा, तो जीरो ही दरअसल रिमाइंडर कहलाएगा। तो ये चीज कहलाती है मॉड्यूलस, जिसको आप मैथ्स में कहते हैं रिमाइंडर, उसी लैंग्वेज में कहलाएगा मॉड्यूलस। अब आइए देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में ये मॉड्यूलस किस तरह से अप्लाई किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 11 को 11 पर मॉड्यूलस अप्लाई किया है, यानी 11 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर जो है उसका रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम 11 को डिवाइड करें 2 से, 11 डिवाइडेड बाय 2, तो जब 2 10 2 5 10 तो हमारा 5 जो है वो ऊपर आ जाएगा, और जब हम 11 को माइनस करेंगे 10 से तो रिजल्ट में आएगा, यानी रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 1। अब दोस्तों हम देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट भी यही आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमने इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद रन किया, तो ये देख सकते हैं आपके ए मॉड्यूलस बी जो है वो आया है 1, विच इज राइट। तो इसी तरीके से दोस्तों मॉड्यूलस जो है वो कुछ नहीं होता, वो जस्ट आपके प्रोग्राम में जो वैल्यू बच रही होती है आखिर में, जो रिमाइंडर होता है वो दरअसल मॉड्यूलस कहलाता है। और अगर दो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 11 की जगह 4 होता तो 2 2 4, तो अब आपका कोई रिमाइंडर नहीं बचता क्योंकि 4 4 0, तो अब आपका रिमाइंडर 0 आता है, यानी रिजल्ट के तौर पर आपको 0 मिलता है। जैसे मान ले अभी हमने इसको 4 कर दिया, तो ये मैंने कंट्रोल एस किया, तो आप देखिएगा अब आपका जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पर आपका रिमाइंडर आएगा 4। अभी मैं इसको क्लोज करती हूँ, ये देखिए डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर आया है वो है 0। ऐसा नहीं है कि ये 0 को काउंट नहीं करेगा, अगर आपके रिमाइंडर में 0 आ रहा है तो ये उस 0 को भी काउंट करेगा। तो इस तरीके से ये तमाम बेसिक ऑपरेटर्स आप अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं। एक और अहम बात दोस्तों, आप यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर मॉड्यूलस का जो साइन है ये 2 दफा लगाया है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको एक दफा लगाते हैं तो ये इसको परसेंट के तौर पर लेता है, इसीलिए आप अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं एक मॉड्यूलस को तो आप इसको डबल के तौर पर लिखेंगे इस तरीके से। अब आइए दोस्तों यहाँ आपने देखा कि अगर एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में अगर सिर्फ एक अर्थमेटिक ऑपरेटर ही यूज किया गया है तो उसको कंपाइलर किस तरह से रिजॉल्व करता है, उसको किस तरह से एवेलुएट करता है। लेकिन दोस्तों ऐसी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर एक्सप्रेशन होती है जिनमें मल्टीपल अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होते हैं, तो उसको कंपाइलर किस तरह से एवेलुएट करेगा। दोस्तों यहाँ आपके सामने एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन मौजूद है जिसमें 2 अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किए गए हैं, और अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसके 2 पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं, नंबर 1 इज 35 एंड नंबर 2 इज 23। अगर आपका आंसर 35 आ रहा है विच मींस आपने पहले 3 का स्कोर किया है जिसका आंसर आया है 7, और फिर आपने 7 को मल्टीप्लाई किया है 5 से तो आपका रिजल्ट आया है 35। लेकिन आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका आंसर 23 आ रहा होगा, तो उन्होंने पहले 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करवाया होगा जिसका रिजल्ट आया होगा 20, और फिर 20 में प्लस करवाया होगा 3 तो उनका रिजल्ट आया है 23। और जाहिर है दोस्तों इनमें से कोई एक आंसर ही सही हो सकता है, इसीलिए अगर एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स मौजूद हैं तो उनमें से किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना चाहिए किसको बाद में, इसके लिए कोई ना कोई रूल होना चाहिए, वरना अगर कोई रूल नहीं होगा तो इसी तरह हर एक एक्सप्रेशन के मल्टीपल आंसर्स रिसीव हो रहे होंगे। और सी लैंग्वेज में वो रूल्स कहलाते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि सी लैंग्वेज में 5 तरह के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलस। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के तहत मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस की प्रायोरिटी हाई होती है बनिस्बत प्लस और माइनस की, यानी प्लस और माइनस की प्रायोरिटी जो है वो लो होगी और मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस की प्रायोरिटी हाई होगी। अब यहाँ पर प्रायोरिटी से क्या मुराद है दोस्तों, जैसे मान लें कि एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर मल्टीप्लाई यूज हो रहा है और प्लस यूज हो रहा है, तो क्योंकि मल्टीप्लाई की आप यहाँ पर देखें तो प्रायोरिटी हाई है, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद
हम लो प्रायोरिटी यानी प्लस वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा होता है कि कोई एक्सप्रेशन है जिसके अंदर दो ऑपरेटर्स यूज किए गए हैं और उन दोनों ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेम है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये यह हमने दो ऑपरेटर यूज किए हैं और इन दोनों ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेम है, तो अब क्या होगा दोस्तों? अब मैदान में आती है एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी से क्या मुराद है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में सेम प्रायोरिटी के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मौजूद हैं, तो अब आप उस एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर आप पहले प्लस को सॉल्व करेंगे, पहले उस ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे जो कि लेफ्ट साइड पे होगा, और उसके बाद जो है आगे वाले ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों इस एक्सप्रेशन में देखिए, इस एक्सप्रेशन में आप सबसे पहले देखिए कि प्लस की जो प्रायोरिटी है वो इन दोनों से लो है, तो प्लस तो सबसे आखिर में ही सॉल्व होगा, उसके बाद डिवाइड है और मल्टीप्लाई है जिनकी प्रायोरिटी सेम है, तो अब एसोसिएटिविटी बीच में आ जाएगी। और अब हम इनको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, यानी पहले 9 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड पर हमारे पास डिवाइड अकर हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। अब आइए इनको प्रोग्राम, दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर आपको एक प्रोग्राम नजर आ रहा है जिसके अंदर हमने 4 इंटीजर्स लिए हैं, ए बी सी और डी। इसके अंदर 4 अलग अलग वैल्यूज को स्टोर करवाया है। ए में हमने स्टोर करवाया है 2 को, बी में 3 को, सी में 4 को और डी वेरिएबल के अंदर 5 को। अब हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो डालने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखी है ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसको खुद से सॉल्व करें, यानी अपने दिमाग को इसे सॉल्व करें, हमारा दिमाग भी एक कंपाइलर है, तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि हम जो है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इसके अंदर सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड क्योंकि सेम प्रायोरिटी के हैं। तो यहाँ पर हम एसोसिएटिविटी के तहत पहले मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करेंगे जो कि लेफ्ट साइड पर है, और उसके बाद डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ए को मल्टीप्लाई करवाएं बी से, तो ए है 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 6, 2 3 6। और इसके बाद हम इस 6 को जब डिवाइड करवाएंगे सी से, और सी में हमारे पास मौजूद है 4, तो इसका रिजल्ट आएगा 1 point something। देखिए क्योंकि ये दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली इंटीजर में आएगा, यानी रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा। तो दोस्तों आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हमने इसको कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद हमने यहाँ पर इसको कंपाइल और रन किया, तो आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट 1 आया है, विच मीन्स हमने इसको सही तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। यानी यहाँ पर हमने पहले इसको मल्टीप्लाई करवाया एसोसिएटिविटी के तहत, और फिर इसको डिवाइड किया। इस तरीके से दोस्तों ये दूसरी एक्सप्रेशन देखिए। दोस्तों यहाँ पर हमने एक एक्सप्रेशन लिखी है, इसके अंदर भी जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किए हैं वो सेम प्रायोरिटी के हैं, यानी प्लस और माइनस, क्योंकि इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो अब कंपाइलर इसको किस तरह से एवेलुएट करेगा, हम पहले इसको अपने कंपाइलर से एवेलुएट करते हैं। हम यहाँ पर ये कमेंट लिख देते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं ए प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ पर रिजल्ट होगा, पहले यहाँ पर सबसे पहले ए प्लस बी जो है ये सॉल्व होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस है, तो हम यहाँ पर करवा देंगे 2 प्लस 3। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा 5, और उसके बाद हम 5 को माइनस करवाएंगे 4 से, तो यहाँ पर जो दोस्तों इस पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 1। आइए अब इसको हम चेक करते हैं अपने रिजल्ट के अंदर। जी हाँ, हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आया है, ए प्लस बी माइनस सी विच इज 1। अब दोस्तों ये तो हमने बात कर दी कि एक एक्सप्रेशन है जिसमें सेम प्रायोरिटी के जो है वो ऑपरेटर्स मौजूद हैं। अब दोस्तों अगर एक एक्सप्रेशन हम इस तरह की लेते हैं जिसके अंदर सेम प्रायोरिटी के भी मौजूद हों और लो प्रायोरिटी के भी मौजूद हों, तो अब कंपाइलर उसको किस तरह से परफॉर्म करेगा उसकी कंप्यूटेशन। डियर फ्रेंड्स ये एक्सप्रेशन देखिए, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय डी माइनस सी एंड मॉड्यूलस ए। तो डियर फ्रेंड्स अब क्या होगा, अब जो है यहाँ पर आपको प्लस भी नजर आ रहा है जिसकी प्रायोरिटी लो है, इस तरीके से मल्टीप्लाई नजर आ रहा है जिसकी प्रायोरिटी हाई है, इसके बाद माइनस नजर आ रहा है और इसके बाद नजर आ रहा है मॉड्यूलस। तो आप सबसे पहले साइड में कर दें लो प्रायोरिटी वालों को, क्योंकि इनको हमें सबसे आखिर में सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास आ रहा है बी मल्टीप्लाई बाय डी
और सी मॉड्यूलस ए। तो बी जो है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो हम अब एसोसिएटिविटी के तहत पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जब हम बी मल्टीप्लाई बाय डी करेंगे तो बी में मौजूद है 3 और डी में मौजूद है 5। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट आएगा 15। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर सी और ए का मॉड्यूलस निकालेंगे। तो जब हम सी को डिवाइड करवाएंगे ए से तो यहाँ पर मॉड्यूलस आएगा 0। तो यहाँ पर b की जगह आ जाएगा, b मल्टीप्लाई बाय d की जगह आ जाएगा 15 और c डिवाइडेड बाय a जब हम करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि 4 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 से, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा रिमाइंडर में, विच मींस के 0 बचेगा। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा 0। अब ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, a प्लस 15 माइनस 0। ये देखिए दोस्तों, अब ये एक्सप्रेशन इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास दो सेम प्रेसिडेंस के, दो सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर मौजूद हैं, प्लस और माइनस। अब दोबारा से यहाँ पर एसोसिएटिविटी बीच में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड पर जो ऑपरेटर है उसको परफॉर्म करेंगे, विच इज ए। यहाँ पर ए की वैल्यू है हमारे पास 2। जब हम 2 प्लस 15 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 17। तो इसके बाद दोस्तों हम 17 यहाँ पर लिख देंगे और 17 को फिर हम आखिर में माइनस करवाएंगे 0 से, तो यहाँ पर रिजल्ट आपका आएगा 17। तो आइए देखते हैं कि क्या जो हमारे दिमागी कंपाइलर ने ये एक्सप्रेशन का रिजल्ट निकाला है, क्या कंप्यूटर का कंपाइलर भी यही इसका रिजल्ट निकालता है। तो ये देखिए, जी हाँ दोस्तों, हमारे दिमाग ने बिल्कुल सही इसका आंसर निकाला है, विच इज 17। यानी हमने जो इसके ऊपर ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के रूल लगाए हैं उसके तहत बिल्कुल सही आंसर आपको मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ तक हमने सीखा कि ऑपरेटर क्या होता है, एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, और फिर उन एक्सप्रेशंस में अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, और अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमने प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के रूल देखे और साथ के साथ इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना भी सीखा। अगले लेक्चर में हम दूसरे टाइप के ऑपरेटर, विच इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, इसकी डिटेल्स आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।